आप तो जानते ही हैं, कल हमारे गांव की देवी का उत्सव है, आप कल गांव में मत रुकिए। पर क्यों? क्या है ना, उसी में आपकी हमारी हमारे गांव की भलाई है। हुजूर, श्रृंगारपुर में देवी का उत्सव होने वाला है। अच्छा, खुद शंभूराज से करने वाले हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है पांडे सरदार। हुजूर, इसमें खुशी की कौन सी बात है? मौके का फायदा किस तरह उठाया जाता है पांडे सरदार, हम आपको बताएंगे। माफी चाहता हूं हुजूर, यह खलीता है आपके लिए, दोस्ती के वास्ते। रुक जाइए युवराज, उस तोरण को हाथ मत लगाइए। तोरण को हाथ नहीं लगाए? क्यों? अजय दिलेर खान ने भेजा हुआ नजराना है वो, हमारी देवी को मुगलों का चढ़ावा कैसे चढ़ेगा? उसे उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुनिए, आप एक बार दामाद जी से बात करके देखिए। देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। उनके द्वारा भेजे गए तोरण हम क्यों लगाएंगे? वो जानकार हैं, सही निर्णय ही लेंगे। ए, चलो निकलो अब यहाँ से, निकलो। हाँ हाँ, जाओ 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 यहाँ से, जाओ जाओ। गणोजी राव, देवी को आया हुआ उपहार वापस मत भेजिए। युवराज, लेकिन वो हमारी देवी को नहीं चढ़ सकता, और हम पूरी तरह सक्षम हैं हमारी देवी की पूजा भक्ति के लिए। गणोजी राव, नजराने को रहने दीजिए। युवराज, आपको आए हुए खलीते के लिए हम कुछ नहीं कह रहे, लीजिए मत लीजिए वो आपके अधिकार का विषय है, लेकिन देवी को क्या चढ़ेगा वो हमारा विषय है। युवराज मत लीजिए, भाइयों ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुगल द्वारा भेजे गए तोरण को अगर देवी को अर्पण किया जाए तो हमारी देवी की महिमा कम नहीं होगी, उल्टी बढ़ जाएगी। आज एक मुगल नारियल का तोरण भेजता है, कल कोई गलीचा बिछा देगा, और यही करना चाहिए क्योंकि वो जगत जननी है, वो सबकी देवी है। इसके विपरीत यदि कोई मुगल देवी की सेवा में आता है तो उस मुगल में इंसानियत आ जाएगी। और दिलेर खान अपने गांव की देवी के लिए तोरण भेजता है, इसमें उसके सिद्धांत और अस्तित्व की जीत है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस तोरण को बांधना चाहिए, बेशक अगर आप कहें तो। सभी गांव वालों, युवराज जी के विचार सही हैं। युवराज बांधिए। शंभू राजा की जय हो। युवराज 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 शंभू राजा की जय हो। आइए गणोजी राव, आगे बढ़िए। जी पिताश्री, हम हैं आपके साथ। राजा, कलश वापस आ गया। रुक जाओ,
एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। जाने दीजिए हमें, अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। कलश भाई देखिए, आप देवी माँ के द्वार पर खड़े हैं, विनम्रता से बात कीजिए। विनम्रता से ही कहा था, क्या फायदा हुआ, आ गए ना वापस। अब क्या, हम पूजा करने आए हैं ग्राम देवी की। देवी हमारी है, देवी सबकी है, सबकी माँ है और सभी माँ के हैं। ए, ये तोते की बोली अपने पास रखिए और चुपचाप निकल जाइए यहाँ से, वरना आप हमें मारना चाहते हैं, मारिए। ग्राम देवी के सामने हमारा रक्त बहे, इसमें हमारा सौभाग्य है। यह बर्ताव अच्छा नहीं है, पूरे गांव का अपमान कर रहे हो तुम। युवराज समझा दीजिए आप अपने दोस्त को। गणोजी राव याद रखिए, हम यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। पर युवराज हमने उनसे कहा भी था कि पूजा में ना आए। आज हम खुद गए थे इससे विनती करने, पूछिए इससे। फिर उन्हें आना नहीं चाहिए था, ये जानबूझकर किया आपने। कविराज को हमने यहां बुलाया है। आपने? हाँ हमने। आपने सुना बहना, इन लोगों को युवराज ने बुलाया है। अब युवराज ने ही बुलाया है तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये सही है? युवराज आप ही समझाइए। गणोजी राव अब ये सुनिए कि हमें क्या कहना है। गांव वालों, जब कवि कलश और उनके साथ ही मंदिर में आए तब आपने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर वो जिसके मंदिर आए हैं उस देवी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, उसने उन्हें नहीं रोका है। हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारे मन में भ्रम है, ये भ्रम भेदभाव बुराई है, इसलिए पहले इस भ्रम से छुटकारा पाइए। अजी कैसे दूर होगा भ्रम, ये ऐसे लोगों की वजह से गांव का नुकसान हो रहा है, गांव में अनहोनी हो रही है, इसीलिए तो हम पूजा कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आज की पूजा में यही लोग यहाँ हैं, फिर फायदा क्या हुआ, युवराज किस लिए बुलाया इनको? यही आपके बीच की खाई को मिटाना चाहती है, वो भी देवी के साक्षी से, इसलिए हमने इन सबको बुलाया है। माफ कीजिए युवराज, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। गलती? गणोजी राव ये लोग ना अघोरिये ना वामचारी, सीधी सादी पूजा करते हैं, जैसे हम देवी की उपासना करते हैं वैसे ये भी देवी की उपासना करते हैं। गणोजी राव अलग तरीके से, लेकिन हमारी तरह वो भी जाप करते हैं, फिर हम उनकी साधना में बाधा क्यों लाए, हम उन्हें अपना क्यों नहीं मान सकते? भाइयों वास्तव में हमारे मन को जाति और पंथ में विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमारी माँ जगत जननी सबको अपने पास लेती है और सबको अपना मानती है, उसी प्रकार हमें सबके साथ प्रेम और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखिए, यदि शाक्त पंथ मूल रूप से ही बुरे होते तो हमारे पिताश्री ने उन्हें स्वराज्य में स्थान दिया ही नहीं होता, लेकिन निश्चलपुरी गोसावी से उनका दूसरा अभिषेक हुआ, तांत्रिक राज्य अभिषेक, इस तरह हमारा भी युवराज के रूप में अभिषेक हुआ, तो इसमें ये गलत कैसे हो गए? वास्तव में शाक्त पूजा यानी शक्ति की पूजा, और शक्ति की पूजा यानी स्त्री शक्ति की पूजा। हम अपनी बड़ी रानी माँ की पूजा करते हैं, यही सच्ची शाक्त पूजा है। आप भी अपने घर की महिलाओं के विचारों का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए, उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, ये वास्तविक शाक्त पूजा होगी। और स्वराज्य को ऐसे ही शाक्त पूजा की आवश्यकता है, नहीं तो आप यहाँ देवी की पूजा करेंगे और घर जाकर पत्नी पर हाथ उठाएंगे, ये पूजा दिखावे के लिए मत करिए। भाइयों एक बार सांप और नेवले के बीच की नफरत खत्म हो जाएगी, लेकिन पंत सांप्रदाय के बीच की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। तो एक ही बात ध्यान रहे,
कि अगर आप स्वराज की रोटी सेकना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिव के विचार ही हमारे काम आएंगे। गणोजी राव, अब आपकी जिम्मेदारी है, इन गुसावियों को गांव देवी की पूजा में शामिल कर लीजिए। गणोजी राव, जो तोरण ग्राम देवी के लिए आया हुआ है वो भी दिलेर खान से, वो आपको मंजूर है, और आपके और मेरे जैसे लोग जो जाप करते हैं उनसे कुछ मंजूर नहीं है, उन्हें भी मौका दीजिए। युवराज शंभू राजा की जय हो। 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 युवराज, आपकी बातों से सहमत है। हाँ युवराज, हम पुरानी बातों को ही पकड़े बैठे थे। पुराना छोड़ दीजिए, अब नई सोच के साथ चलिए, और आपस में झगड़ा नहीं चाहिए। युवराज, मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें भी असली लक्ष्य समझ में आया है, उन्हें दूर करना अच्छी बात नहीं है। शाक्त पंथ की उपासना मतलब स्त्री शक्ति की उपासना करना है, और अगर हर घर में ऐसा होने लगा तो हमारा स्वराज्य और मजबूत हो जाएगा। आरती कीजिए। आरती गणोजी राव करेंगे। गणोजी राजे, लोगों की भावनाओं को समझिए, आरती का मान युवराज को दीजिए, इससे उन्हें अच्छा लगेगा और हमारा मनसूबा पूरा होगा। गणोजी राव, लीजिए थाली। जी, आरती आप ही कीजिए। युवराज, आज बिल्कुल अमृत योग की तरह इस पूजा के दिन आप यहाँ उपस्थित हैं, वरना इस पूजा और आरती में आप कहाँ रहते हैं, कीजिए ना। युवराज, आपके हाथ से ही आरती होगी। युवराज शंभू राजा की जय हो। 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 पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना? लेकिन इससे पहले काफी चर्चा और कितने विवाद हुए। सच कहा, जब गांव वाले कविराज के विरोध में खड़े हो गए थे तब सच कहें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किसकी चिंता में, कविराजा या फिर गणोजी राव के? हमें चिंता हो रही थी आपकी। आप ये सब कैसे संभालेंगे, क्या निर्णय लेंगे, और ना जाने किसके पक्ष में बोलेंगे, बस इसी बात का डर था हमें। आपकी चिंता गलत नहीं थी ये सब, लेकिन हम भी क्या करते, स्वराज्य में बाधा डालने वाली चीजें हमें परेशान करती है। उसकी कल्पना है हमें युवराज। अगर किसी भी कारण से प्रजा में कलह हो तो ये स्वराज्य के लिए घातक ही है, क्योंकि एकता ही स्वराज्य की ऊंची मीनार है। हमें डर है कि अगर ऐसे समूह टूट गए तो उस मीनार में अंतर आ जाएगा, ऐसा हमें लगता है। जो मना करता हूं वही करते हो, मुंह में राम बगल में छुरी। जी मैं समझा नहीं। युवराज के साथ दोस्ती करते हो, हमारी बात नहीं मानते, मंदिर में आने के लिए मना किया फिर भी आते हो। लेकिन वो शंभू राजे, क्यों उनकी आड़ में झुकते रहते हो? जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वही हमारे युवराज को गनीमी कावा समझ में आता है, तुम्हारा ये अघोरी कावा नहीं, उसी से सब गड़बड़ हो रही है। और सुन, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, श्रृंगारपुर से निकल जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तुम्हारी वजह से युवराज ने उन अघोरी लोगों को मंदिर में लिया, अब अगर देवी माँ रुष्ट हुई, युवराज के साथ अगर कुछ अनहोनी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। युवराज के लिए ये गणोजी राजे जान लेगा भी,
और जरूरत पड़े तो जान देगा भी। अभी आप अपना सामान समेट लीजिए और सीधे कनौज जाइए। अब इसे समझाना ही समझिए, या फिर धमकी, जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। युवराज, आपने हमें याद किया। कविराज, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा हुआ आप आ गए। हमें तो बहुत सी चीजों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। कविराज जी, आप कुछ कह रहे थे। पहले हमें बताइए क्या हुआ है। जी कुछ नहीं, सच में है। कविराज, अब तक आपके शब्दों का दर्द हमें परिचित हो गया है, और यदि शब्द झूठ भी हो तो आंखें झूठ नहीं बोलती। सच बताइए क्या हुआ है। युवराज, हमें इजाजत दीजिए। इजाजत? किस बात की इजाजत? कनौज जाने की। अचानक? अचानक नहीं, उम्मीद से ज्यादा ही मिला है हमें। शाक्त समुदाय को आपने राजा श्रेय दिला दिया। हमारे बारे में जो गलत फहमी थी उसे दूर करने की कोशिश की। देवी के उत्सव में सहभागी करवाया। लोगों का विरोध होते हुए भी आपने उन्हें प्यार से समझाया। कविराज, अभी बहुत कुछ करना है। लोग आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। शाक्त पंथ को समानता नहीं मिलेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष में आप हमारे साथ रहेंगे। हमें अब इजाजत दीजिए, जाने दीजिए हमें। आप सच में जाना चाहते हैं कविराज? मां भद्रकाली की सौगंध, हमें जाना होगा। कविराज, हमें आप जैसे मित्र की आवश्यकता है। जानते हैं, मजबूरी है। किसी ने कुछ कहा आपसे, जाने के लिए कहा, या फिर आपको धमकाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कल भोर के समय निकल जाऊंगा। कविराज, कभी कभी हमें अपने ही भाग्य पर आश्चर्य होता है। जब भी हमें कोई चीज हमारे करीब महसूस होती है जिसकी हमें अत्यंत जरूरत होती है, बिल्कुल उसी समय वो हमसे दूर चली जाती है। नहीं, आप भी कुछ अलग नहीं कर रहे। अनुभव ने हमें आज तक बहुत कुछ सिखाया है, हमसे बहुत कुछ छूट गया है। माता श्री का प्रेम, स्वराज्य का प्रेम, पिताश्री का प्रेम, दुर्ग प्रेम, और अब मित्र का प्रेम भी। जाइए आप। क्षमा करें युवराज, चलते हैं हम। कविराज, हमारे दोस्ती की निशानी, हमारी अंगूठी हम आपको दे रहे हैं। मित्र की जगह चरणों में नहीं, हृदय में होती है। आज से हम आपको कविराज कहकर पुकारेंगे। युवराज। कविराज,
मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। कविराज उठिए, कविराज, दोस्ती ये बलिदान का सार है, अखंड तंतु, कभी ना टूटने वाला।